यू हाउ डेयर यू, जानती हो ना किसके बारे में बात कर रही हो तुम, मेरे बेटे के बारे में, तो जबान संभाल कर। ओके मॉम, इट्स ओके। नहीं, इट्स ओके क्या? और क्या लगता है इसे कि ये तुम्हें कुछ भी बोलेगी और हम में से कोई इसे कुछ नहीं कहेगा? नो वेस, इस गलतफहमी में तो मत रहना तुम। और ये हमारे घर का बेटा है, हमें सब कुछ बताएगा, इसे किसी बाहर वाले की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझी तुम? आयुष, तुम्हें लक्ष्मी से पूछना चाहिए था। ओह गॉड मॉम प्लीज, कम से कम अब तो चुप रहिए प्लीज। प्लीज क्या प्लीज? अरे तुम लोगों से ज्यादा बार प्लीज मैंने बोला है, लेकिन तुम लोगों ने कभी सुना नहीं, इसलिए मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। प्लीज आप लोग, मलिष्का कम से कम तुम तो पारो को बुला दो। महेश तुम घर जा सकती हो, पारो को हम टाइम पर भिजवा देंगे। मतलब दरवाजा बंद कर दीजिए। मॉम नीलम, मॉम प्लीज प्लीज मत कीजिए ऐसा। लक्ष्मी मॉम, मॉम क्या कर रही हैं आप? मॉम आप गलत कर रही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मॉम मॉम लक्ष्मी मॉम क्या किया आपने? चली गई लक्ष्मी। हाँ तो चली तो जाएगी ना, वो कोई धरना देने के लिए थोड़ी ना आई थी, यहाँ पे बैठ के हाय हाय के नारे थोड़ी ना लगाएगी। ऋषि वो ये सब गेम्स खेल रही है, तुम्हें कब दिखाई देगा ये सब यार? बस मलिष्का, एक शब्द और नहीं, क्योंकि तुम कभी बोलती नहीं हो, सिर्फ जहर उगलती हो। सॉरी दादी, आप ये सोचती है मेरे बारे, बुरा लगा मुझे, बहुत हर्ट कर रही है आप मुझे, लेकिन आपसे मैं कुछ उम्मीद रखती रही। जो इंसान अपनी बेटी के साथ ऐसे कर सकता है, तो उससे मैं होती कौन हूँ कुछ भी उम्मीद रखने वाली? प्लीज एक से, मॉम मॉम क्या किया आपने? आपने पारो को लक्ष्मी के साथ क्यों नहीं जाने दिया? साथ में चले जाते ना दोनों। कौन बोल रहा है ये सब? मॉम हमारा बेटा तो नहीं है ये, हमारा बेटा वापस आएगा तो हमसे बात कर सकता है। मॉम क्या? लक्ष्मी के पति से बात करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम मॉम क्या हो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सबको सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं मॉम? क्योंकि सबको मजबूर किया जा रहा है ऋषि। रियली कौन मजबूर कर रहा है? मासी पारो यहाँ पे आई है लक्ष्मी को बिना बताए, और लक्ष्मी यहाँ पे आ गई, जब उसे पता चलेगा कि पारो यहीं पे थी और वो उसे बिना बताए यहाँ पे आई, तो उसे चिंता तो होगी ना। लक्ष्मी माँ है उसकी, और वो सिर्फ पारो को इस घर में ले जाने के लिए आई थी। आप पारो तुम्हारी बेटी भी है, इस खानदान का अंश है वो, तो इससे क्या वो लक्ष्मी की बेटी नहीं हुई क्या? लक्ष्मी का अंश नहीं हुई इस घर में? इतनी छोटी सी बात कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का ऋषि? और ये मत भूलो तुम कब कहां और किससे बात कर रहे हो। See, I'm sorry. ऋषि बस इनफ, तुम्हारा ये यही रूप देख कर ना दी अभी भी बोल कर गई हैं कि तुम फिलहाल सिर्फ लक्ष्मी के पति हो, उनके बेटे नहीं। एग्जैक्टली exactly. तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या ऋषि? कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें, ना ये घर दिख रहा है, अब तो तुम्हें अपनी मॉम भी नहीं दिख रही है। इस घर में कभी भी कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता है क्या? इस घर में चीजें नॉर्मल कब होंगी यार? क्या पारो? हाँ पर चाची आपको ऐसा क्यों लगता है कि पारो उस घर में गई होगी? चालू मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है पारो उसी घर में है, मैं टेल रही हूँ। अरे कम रही हूँ बाबा, कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या ये लक्ष्मी का घर है? नहीं ये लक्ष्मी का घर नहीं है, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर लिविंग करती है और किराया भी गिव नहीं करती, मीनिंग कभी कभी देती है कभी कभी नहीं गिव करती है। मैं उसकी चाची हूँ, ये मेरा ही घर है, कभी कभी अच्छी रहती हूँ कभी कभी अच्छी रह नहीं पाती। चाची चाची सॉरी, आप कौन? हाय मैं प्रोमिता दीक्षित, लक्ष्मी की बच्ची की कस्टडी का केस मैं ही लड़ रही हूँ। क्या आप अंदर आइए ना। हाँ कमिंग कमिंग कमिंग। यार शीटिंग एक्सक्यूज मी मैम, पर मैम हमारा केस तो कोई दूसरी लॉयर लड़ रही थी ना। हाँ वो प्रतिभा मेरे लिए ही काम करती है, लेकिन इस केस में थोड़ी एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं खास टाइम निकाल कर आई, और आज से लक्ष्मी की बच्ची की कस्टडी का केस मैं ही लड़ूंगी। और इस केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और जिसका सॉल्व होना जरूरी था वो हो चुका है, लेकिन लक्ष्मी कहाँ है? एक मिनट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है क्या जिसको आपने एकदम से सॉल्व कर दिया? जॉब नौकरी लक्ष्मी को मिल गई है। क्या? और ये है इसका ज्वाइनिंग लेटर, वो कल से ज्वाइन कर रही है ऑफिस, मैंने उसके बॉस से बात कर ली है, कोर्ट हियरिंग 12 बजे की है, उसको सुनवाई के लिए टाइम मिल जाएगा। आप सच बोल रहे हो? दीको जॉब मिल गई? रबा मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं डू हो रहा है। मैडम आप बिल्कुल सच कह रही है ना, नौकरी मिल गई?
देखिए मैं दूसरे लॉयर्स की तरह बात नहीं करती जो कहते हैं कि वो कभी कोई केस नहीं हारते, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने आज तक किसी भी माँ को अपना बच्चा नहीं खोने दिया। यही अंतर है मुझमें और दूसरे लॉयर्स में। बच्चे को माँ के पास लाने के लिए जो हो सकेगा मैं सब करूँगी। पर लक्ष्मी कहाँ है? जी वो पारो को लेने गई है। भाभी एक बात बोलो। आजकल वैसे ही बहुत बोलने लगी हो तो पूछ क्यों रही हो बोलने से पहले? बोलो। ठीक है जाने दीजिए। एक तो ये मत करना, ये जाने दीजिए, पहले एक बात बोलो उसके बाद जाने दीजिए, जल्दी बोलो जो बोलना है। वो भाभी मैं क्या सोच रही थी पता है? मैं ये सोच रही थी कि नीलम मामी को लगता है कि लक्ष्मी अब चगुनी है, उसके कदम अशुभ है, वो बुरा साया है। यहाँ तक कि करिश्मा मॉम, आंचल आंटी, आपको और मुझे भी यही लगता है। लेकिन दादी, आयुष और ऋषि भाई, इन तीनों को ऐसा नहीं लगता। वो तीनों तो सच में लक्ष्मी की दादी। बस 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 स्टॉप इट। नहीं सुनना मुझे लक्ष्मी की कोई बात। भाभी आप पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे किसी की कोई बात, ना तुम्हारी ना किसी और की। जिसे देखो लक्ष्मी 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 पक्का लोगों में लक्ष्मी। ये जरूर उसकी चाची आई होगी। नहीं चाची नहीं, या फिर शालू, चाची और लक्ष्मी तीनों साथ में आई होंगी। सुन के गई ना उनकी बेटी यहाँ से, तो लेके आई होगी अपने वकील, अपनी चाची को। तमीज, कोई बात नहीं, सुनाने आई है ना मैं, इनकी बैंड तो मैं बजाती हूँ। यस, ये हुई ना बात। अब देखते हैं लक्ष्मी कैसे जवाब दे पाती है मलिश्का भाभी को। वो अब तक चुप थी लेकिन अब चुप नहीं रहेंगी। अब फूका ब्लास्ट, पड़ा वाला ब्लास्ट। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पाँ तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर पूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तारे जाए। ओ गॉड, ये मीडिया भी ना पागल ही हो जाते हैं ये लोग, या फिर हमें पागल कर देते हैं। रियली देखो ना क्या कर रहे हैं ये सब। बंद कीजिए, बंद कीजिए फोटोज लेना। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि न्यूज बना रहे हैं आप लोग। असली न्यूज आपको अब मिलेगी जब केस की सुनवाई शुरू होगी, तब तक वेट कीजिए प्लीज। समझ में आ गया आपको? ये लड़की यहां पर गिर रही थी और इस टाइम बस संभाला है उसे। दैट्स इट।